महानगर में चलने वाले ऑटो चालकों के साथ बुधवार को एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने मीटिंग की और ऑटो चालकों से महानगर में लगने वाले जाम को रोकने में सहयोग की अपील की। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित ऑटो चालकों की बैठक में एएसपी रोहन बोत्रे ने चालकों को बताया कि महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने में ऑटो चालकों की भूमिका अहम हो सकती है, अगर वे सवारी निर्धारित जगह पर ही उतारें और चढ़ाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक रक्षक अभियान चलाया जाएगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। एएसपी ने लोगों से अपील किया कि वे भी ऑटो चालकों का सहयोग करें और निर्धारित जगह पर ही ऑटो की सवारी करें। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एक ऑटो चालक और एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, गोरखपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, जो भी है वो किए जाएंगे और एक कैरेक्टर का सत्यापन किया जाएगा और आपके जो भी टेम्पो है उसके ऊपर एक शुरू करना चाह रहे हैं, एक छोटी सी एक गेट टाइप लग जाएगा आपके रिक्शा को। लगेंगे इसमें 5 दिन लगेंगे सर। तो 5 दिन बाद हम लोग और ज़्यादा ऑटो चालकों को यहाँ पे टेम्पो चालकों को बुलाएंगे और उनका हम लोग यहाँ से हरी झंडी देके इनॉग्रेशन टाइप भी करवाएंगे। तब तक तो इनका अभी बता दीजिए कैसे बनेगा इनका लाइसेंस और सारे बन रहा है सर, लाइसेंस तो बन उसे बता दिए सर। तो अगर रास्ते में खड़ी होती है और वही उतारती है वही चढ़ाती है लोगों को तो उससे ट्रैफिक बाधित होता है। हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर वेटिंग एरिया स्टैंड हो, ताकि आप लोग सवारी भी आपको उसी लोग भी वहीं आएंगे, लोग कहीं बीच में नहीं आएंगे, लोग आएंगे भी तो आप उनको चढ़ाना नहीं, तो उतना में बुला लेंगे हम लोग। ठीक है, जब और ज़्यादा नंबर में आएंगे सर तो रात में बोले तो रात भर में आए अभी तो शायद 12,000 टेम्पो चालक है मुझे सब आ जाएंगे पता चला है, तो इतने तो आ नहीं सकते, पर जब भी 500-600 भी आए इतने 400-500 होंगे और आईडी नंबर होगा इसमें, तो ये सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर में फीड होगा। तो जो भी किसी की चालक की अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो उसी में से हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे सेफ्टी का भी एक मैटर सॉल्व हो जाएगा, जनता का भी है, ऑटो वालों का भी हो जाएगा, जनता का भी हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्या भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। हमको यही वो तो बाद में सर इनको स्टैंड दे दिया जाएगा, भेजा जा रहा है जहाँ जहाँ से जहाँ जगह नहीं है चौराहे जो है वहाँ पतला सा रेखा बना दिया साइड में, वो तो बनेगा घटक चल देंगे कंप्यूटर पहले आपको उतारना है, हमारे साथ बदतमीजी होती है पहला। दूसरा ये तक कहा जाता है तुमको भाड़ा नहीं मिलेगा, हम अपनी स्वेच्छा से किसी को स्टाफ के पास बोलते हैं कि देखिए साहब ये हमको भाड़ा नहीं दे रहा, गाली दे रहा, बोल रहा है धर्मशाला पुल के नीचे उतारो, तो मैं उनसे बोलता हूँ यार ट्रैफिक में सुधार करने के लिए ट्रैफिक लगेगा, अभी मेरा चालान कटेगा आप तो ये अभी होगा ही नहीं क्योंकि ये हम लोग पेपर में भी निकलवाने वाले हैं। सर मैं वही चाहता था। ठीक है, जितने दीजिएगा फिर नंबर ले लीजिए सीधे जो पब्लिक इस तरह से कर रहा है, मेरा नंबर तो है सब लोग के पास, तुरंत कहिए कि भाई इनसे बात कर लीजिए और नहीं तो मेरा चालान होगा तो आप देंगे, क्योंकि सर जी उसमें ये भी होता है कि हम गाड़ी खड़ा किए रोड पे उनसे पैसे मांग रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, किचकिच हो रहा है और ट्रैफिक मेरे गाड़ी से रुका हुआ, तो ना इधर की डीलिंग कर पाते हैं ना इधर की डीलिंग कर पाते हैं, बीच में हम फंसते हैं। लेकिन कैसे बुजुर्ग होते हैं आप, हमें भी सोचने वाली बात है, हमारे लिए भी छोटे बच्चे होते हैं विकलांग होते हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, विकलांग और मरीज हो इंसान है, आप लोग सम्मान दिलाना चाहते हैं और आप मदद मतलब करेंगे सम्मान मिलेगा और इज्जत दिखाएंगे, इस चीज को तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा मनु सर कोई है अपना चलेंगे सर भ्रमण करेंगे लोग पढ़ेंगे कि भाई हम भी मीडिया वालों से भी अपील करते ज्यादा से इसका प्रोपोगेशन सर ये दिया गया है कि आप लोग प्रशासन का साथ दीजिए और प्रशासन से होकर के अपना स्टैंड अपना भाड़ा और अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको समझ करके पब्लिक के जो बीच वाली सीट है पैर पैर में सटता था पब्लिक को दिक्कत होती थी आने जाने में भूसा के तरह, ये सब हम लोग नहीं चाहते, हम लोग की भी ओवरलोडिंग होती है अनेक परेशानी उससे होती है, गाड़ी का क्या नाम है कि जल्दी जल्दी ख़राब होती है, चालक भी परेशान आता है और सवारियाँ भी लटक करके गिरे के परेशान रहती हैं उसमें, तो उनको भी सुविधा मिलेगा, एक दो रुपये का फर्क आता है पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इज्जत से जाती है और सवारी जो गाड़ी ले जाता है ऑटो चालक वो भी सम्मान से जीना चाहता है, उसको भी साइड से मिल जाएगा स्टैंड, वो भी इज्जत से अपना खड़ा करेगा किनारे साइड से अपने हक में रहेगा,
तो हर किसी को तरीके से चलने का ये बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है, और इस काम के लिए दिल से सारे ऑटो वालों का स्वागत कर रहे हैं, सारे ऑटो वाले इन अधिकारियों का। ये अधिकारी भगवान है अगर इस तरह बढ़िया काम कर रहे हैं तो, आज तक कभी कभी हुआ नहीं ये सारा काम। मानवता या किसी है, उपेंद्र सिंह है जिसे साहब हैं, हैं वही बेचारे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लपटाए हुए हैं, हैं और हाँ, और ये जो ऑटो चालक हैं इनके साथ मानवता नहीं होती थी। ये सवारी सूल जब बात कर रहे हैं कि हर कोई हटा साले भटा बदतमीजी इनके साथ हमेशा होती थी। ये बेचारे पढ़ लिख करके इज्जत से खाने कमाने में उनको बहुत परेशानी होती थी, दिक्कत आती थी। चालकों की आज एक मीटिंग ली गई थी, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें निर्देशित किया था कि ऐसी एक आप मीटिंग लीजिए और बेसिकली उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी देने का भी इसके पीछे एक मकसद था। बहुत बार होता है कि टेम्पो चालक रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके सवारी उतारते हैं और उसमें चढ़ाते भी है, तो उसमें बेसिकली जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बाधित होती है, स्लो डाउन होता है, ट्रैफिक जैम भी लग जाते हैं उसके लिए। तो हमारा एक हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर दो तीन चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। एक है कि उनके लिए एक स्टैंड निर्माण करने की हमने एक पहल की है कि जिसमें एक उनको एरिया दिया जाएगा, उसी एरिया में उनको अपने सवारी को चढ़ाना भी है और उतारना भी है, तो इसका एक बेनिफिट होगा कि ट्रैफिक जैम जो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग महिला सेफ्टी के लिए भी हमेशा कार्यरत रही है यहाँ की पुलिस। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें एक ये किया था कि आप लोग एक रक्षक नाम का प्रोग्राम शुरू कीजिए जिसमें रक्षक सेफ फॉर वुमेन ये स्टिकर कुछ टेम्पो पे चढ़ाया जाएगा। ये टेम्पोज के जो चालक है वो वेरीफाइड होंगे पुलिस से, उनके लाइसेंसेस उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेशन पूरा किया जाएगा और उनको उनके टेम्पो को रक्षक सेफ फॉर वुमेन का दर्जा भी उनको दिया जाएगा। इसके वजह से महिलाओं की जो सेफ्टी है ये भी हमें हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा इसी के थ्रू। अभी ऑटो चालकों का कहना है कि कुछ चौराहे पर उतारने से पहले अगर रोक दिया जाता है तो पैसेंजर उनके साथ परेशान करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली दोनों तरफ समझने की ज़रूरत है, टेम्पो चालकों को भी और सिटीजन्स को भी। सिटीजन्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर टेम्पो अगर बीच में खड़ा रहता है तो ट्रैफिक जैम इसमें लगते हैं और पुलिस को भी इसमें काफ़ी हद तक ये कर प्रयास करना पड़ता है फिर जैम को फिर निकालने के लिए, एम्बुलेंस सेवा भी उसमें फिर बाधित हो जाती है। तो अगर मेरे सब सिटीजन से भी यही अपील है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेशन करें इस हमारी पहल में। मान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता का एक हमारा प्रयास है, हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि सिटीजन्स के सेफ्टी के लिए और ट्रैफिक जैम ना हो, महिलाओं के सेफ्टी के लिए ये कार्यक्रम हमने अरेंज की, मीटिंग भी हमने आज कंडक्ट की थी। सभी सिटीजन्स को ये अनुरोध है गोरखपुर पुलिस की तरफ से कि आप प्लीज़ कोई भी आप अगर टेम्पो में चढ़ते हो या उतरते हो तो बिल्कुल किनारे टेम्पो को लगा के आप उसमें चढ़ा या उतरा करिए, क्योंकि अगर टेम्पो रास्ते के बीचों बीच खड़ा होता है तो उसमें ट्रैफिक जैम लगते हैं, एम्बुलेंस सेवा या पुलिस सेवा जो कि इमरजेंसी सर्विसेज है अन्य भी लोगों को इससे प्रॉब्लम्स होती है। तो बस यही मैं अपील करना चाहता हूँ।